दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों अक्सर सुनने को मिलता है कि अमुक बात पहली बार भारत में, पहली बार। तो पहली बार बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, लेकिन सचमुच कुछ चीजें तो पहली बार हो रही हैं। अब जैसे कल किसानों का जो मसला था वो बहुत बड़ी खबर थी, अगर देखा जाए जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक जर्नलिस्ट हूं और एक पत्रकार के नाते कह रहा हूं, एक बड़ी खबर थी। लेकिन जो भारत के टेलीविजन चैनल्स हैं, खासकर जो हिंदी के, अंग्रेजी के, कुछ एक को अगर छोड़ दिया जाए अपवाद स्वरूप, तो किसानों को लेकर, किसानों के बारे में, किसानों के कानून के बारे में, उनकी शिकायतों के बारे में इन टेलीविजन चैनलों पर खबर ही नहीं। यदा मैंने कभी कभी कुछ समय ऐसा आया, कुछ एक सेकंड, कुछ एक मिनट के लिए, कि कुछ एक बात हुई, लेकिन डेढ़ दो चैनलों को छोड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी जो किसान समस्या है, जो इस देश का इतना बड़ा समाज है, इतना बड़ा समुदाय है, और 67% के बारे में कहा जाता है कि 67% आबादी इन्वॉल्व है कृषि में, और जो आधिकारिक आंकड़ा है उसके मुताबिक इस देश के 58% लोग सिर्फ और सिर्फ कृषि पर निर्भर हैं। यानी उनका जो बुनियादी, यानी मूल जो स्रोत है आजीविका का, वो कृषि है। लेकिन इसके बावजूद इतने बड़े तबके के लोगों को हमारे चैनलों ने बिल्कुल बहिष्कृत रखा, बिल्कुल बहिष्कृत रखा। जैसे दलित बहिष्कृत रहते हैं, आदिवासी बहिष्कृत रहते हैं, गरीब लोग बहिष्कृत रहते हैं, उसी तरह से हमारे किसानों को भी टेलीविजन चैनलों ने बिल्कुल बाहर रखा खबर से। अरे भाई, साल भर में एक बार तो कर देते, एक बार भी नहीं। वैसे भी किसान कभी सामने नहीं आते टेलीविजन पर, उनके मसले कभी नहीं आते, लेकिन जिस दिन मसला आना भी चाहिए था उस दिन भी नहीं आया, बल्कि नेता लोग आ गए, बहुत सारे नेताओं के भाषण आ गए। तो ये पहली बार ही ऐसा कहा जाएगा? या पूरी दुनिया के इतिहास में अगर टेलीविजनों का देखा जाए इतिहास, जो एक डेमोक्रेसीज है, जहां भी लोकतंत्र है, मैं समझता हूं कि ये पहली बार है, या पहला देश है, पहला टेलीविजन समूह है इस तरह का भारत में, जो इस तरह के लोगों की गतिविधियों को कवर ही नहीं करता। लेकिन दोस्तों, इस मसले के अलावा हम आज दो तीन मुद्दों पर आपसे छोटी छोटी टिप्पणियां करेंगे। पहली तो यह है कि बिहार में इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, और जो इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है वो तीन फेज में है, 28 अक्टूबर को, 3 नवंबर को, 7 नवंबर को, और 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आ जाएगा। 2015 में 5 फेज का था, इस बार 3 ही फेज का है, गनीमत है। निर्वाचन आयोग ने बहुत सारी तैयारी की है, बहुत सारे कानून जो जरूरी हैं आचार संहिता का पालन करने के लिए, उनको लागू कर दिया है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है कि रोड शोज और वर्चुअल रैली जो हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जहां तक मुझे याद है कि 9 विपक्षी दलों ने ये इलेक्शन कमीशन से मिलकर कहा था कुछ महीने पहले कि अगर वर्चुअल रैलीज को या डिजिटल केवल करेंगे आप कैंपेनिंग, यानी चुनाव का प्रचार सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगा, तो वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनेगा, नहीं होगा, वो एक एक उसमें एक गैर बराबरी दिखेगी, एक तरह की असमानता रहेगी, और ये न्यायपूर्ण नहीं होगा, ये वैधानिक भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे संविधान के मुताबिक, हमारे विधान के मुताबिक चीजों को बराबरी में होना चाहिए। कैंपेन में सभी पॉलिटिकल स्ट्रीम्स को, पार्टीज को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, बराबरी की हिस्सेदारी और हैसियत मिलनी चाहिए। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में एक प्रश्न मेरे दिमाग में और उठता है कि अगर पूरे सूबे का आधा हिस्सा अगर बाढ़ में डूबा हुआ है, जो इतने शहर, इतने कस्बे, इतने सारे गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं, कई इलाकों में तो ऐसे कस्बे हैं जहां पर घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है, और अगर वहां चुनाव हो रहा है, फिर वहां पर आप रोड शो को इजाजत दे रहे हैं,
फिर आप ठीक है कैंपेनिंग में थोड़ा सा सावधानी बरती गई है, इलेक्शन कमीशन ने एक एहतियात बरता है कि भाई 10 लोगों के बजाय इस बार 5 लोग ही केवल डोर टू डोर कैंपेन में जाएंगे, अच्छा है ये। लेकिन जो रोड शो के लिए जो परमिशन दी गई है, मैं समझता हूं कि उसका पालन कैसे होगा, खासकर तब जब आप कहते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है उसका भी पालन करना चाहिए और आईपीसी की धाराएं अलग हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें काफी समस्या आएगी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, वो जो चैलेंज आएगा उसको वो कैसे एड्रेस करेंगे। दूसरी बात कि वर्चुअल रैली के काल के लिए अगर आप फ्री कर देते हैं कि जिस पार्टी के पास जितनी दौलत है वो अपना सब कुछ कर ले, तो भाई जो सबसे बड़ी पार्टी है वो जो जाहिर है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है अपने को, तो उसके पास तो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे अधिक संपदा है, सबसे अधिक पैसा है, वो उसका जाहिर उपयोग ज्यादा कर सकती है। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात है उसको इलेक्शन कमीशन कैसे मेंटेन करेगा, ये एक देखने की बात है। और वो भी एक ऐसे प्रदेश में जहां पर हार्डली 37% इंटरनेट पेनिट्रेशन है, यानी बहुत बड़ी आबादी उस वर्चुअल जो कम्युनिकेशन है लोगों से, लोगों का, नेताओं का, उससे वो वंचित रहेंगे। इसके अलावा आप 27% जो लोग हैं उनके पास वहां पर स्मार्टफोन है, ये सब लेटेस्ट आंकड़े बिहार के हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा और इस पर विचार करना चाहिए था, अपनी टीम भेजकर आकलन करना चाहिए था। और अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को वो कैंपेनिंग के लिए इजाजत देते हैं तो मेरा मानना है कि जैसे पूर्वोत्तर के कुछ एक राज्य जैसे मिजोरम, वहां पर कुछ अच्छे प्रयोग पहले हुए जब लोगों ने स्वयं ऑर्गेनाइज किया रैलियां और कहा कि कोई पार्टी अलग अलग रैली नहीं करेगी हमारे प्लेटफॉर्म पर, जैसे मदर ऑर्गेनाइजेशन है या दूसरे जो और ट्राइबल प्लेटफॉर्म्स हैं कि उनके मंच पर आकर अपनी बात कहें। मुझे लगता है कि अगर वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करना था इलेक्शन में तो बेहतर होता कि इलेक्शन कमीशन अपनी ओर से इस तरह का आयोजन करे और जितनी पंजीकृत महत्वपूर्ण पार्टियां हैं सबको वो प्लेटफॉर्म मुहैया कराए और एक दिन जो प्रमुख उम्मीदवार या प्रमुख पार्टियों के जो नेतागण हैं उनको भी बोलने के लिए वो प्लेटफॉर्म मुहैया कराए। तो ये चीजें हो सकती थी, लेकिन इस तरह के नए प्रयोग पर विचार मुझे लगता है नहीं किया गया है। तो बिहार के इलेक्शन का ये पहलू बहुत ही मैं समझता हूँ कि चिंताजनक है। और कल हमने देखा कि एक बहुत बड़ी पार्टी ने एक बहुत छोटी पार्टी के लोगों पर हमला भी कर दिया, वो तस्वीरें भी मीडिया में इस समय लगातार घूम रही हैं। तो शुरुआती इलेक्शन कमीशन ने जो की कल और जो ऐलान किया उस ऐलान के कुछ ही देर बाद ये घटना हिंसा की घटी है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत चैलेंजिंग इलेक्शन है। और इसके साथ ही दोस्तों एक और कहानी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि दीपिका पादुकोण आज वो एनसीबी के सामने गई और जानते ही आप इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन जो करा रहा है और पूरी पूरे देश में जो कोरोना महामारी फैली हुई है, तो राजनीति अर्थशास्त्र हो या हमारी अपने देश में महामारी जो है, इन चीजों से अभी जो हमारा देश का मीडिया है खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसका ध्यान नहीं है, उसका सारा का सारा ध्यान इस समय मुंबई में लगा हुआ है। उनको लगता है कि बॉलीवुड में ड्रग की समस्या इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, इससे बड़ी कोई समस्या नहीं। और दीपिका पादुकोण को तो खलनायक बनाने में सारे लोग जुटे हुए हैं। एक समय करणी सेना जुटी हुई थी, बाद में चीजें रिकॉर्ड होती रहती हैं। अब बताइए दीपिका पादुकोण को वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उन छात्रों के बीच भी एक बार चली गई थी, और चली ही नहीं गई थी, वो उस दौर में गई थी जब छात्रों पर हमले हुए थे और वो उन अत्याचार और दमन के विरोध में आवाज उठाने वाले लड़कों के बीच में खड़ी हो गई थी। तो मुझे लगता है ये सब चीजें बहुत बहुत उनको उनको महत्व के साथ रिकॉर्ड किया गया और अब दीपिका पादुकोण को एक खलनायक के तौर पर पेश करने में कोई उठा नहीं रख रहा है, चाहे वो बड़ी सत्ताएं हो या हमारे देश का बड़ा मीडिया हो। और अभी मैं देख रहा था टेलीविजन चैनल पर, अभी एक देखा, वो ये भी बता दिए एनसीबी की ब्रीफिंग से पहले ही कि दीपिका पादुकोण ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। चलो जी, जजमेंट भी आ गया, रिपोर्टिंग भी हो गई और जजमेंट भी आ गया। तो ये कहानी दोस्तों अपने देश के मीडिया का है। और इन्हीं कुछ टिप्पणियों के साथ इस हफ्ते की इन तीन खबरों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। लेकिन जरूर आप सोचिए कि इस देश में किसान आंदोलन कर रहे हों, किसान अपनी आवाज डेमोक्रेटिक ढंग से उठा रहे हों,
तब भी मीडिया नहीं सुनता, लेकिन वो मुंबई के बॉलीवुड को डिस्ट्रॉय करने पर आमादा जो ताकते हैं उनके साथ कदम ताल करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.